हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन टू टेक टिप्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए एक राइट ग्राफिक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता ही है कि ग्राफिक कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस में। वैसे तो दोस्तों, जो हमारे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं इंटेल या एएमडी के, वो सफिशियंट होते हैं हमारी नॉर्मल मल्टीटास्किंग करने के लिए और नॉर्मल गेम्स खेलने के लिए। पर जब भी हमें 3D गेम्स और HD मूवीज, 4K वीडियोज, कंटेंट वगैरह चलाना होता है, तो ये ग्राफिक कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, मार्केट में जैसे कि हमें पता है बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल हैं, अलग अलग प्राइस रेंज और वेराइटीज़ में अवेलेबल हैं। 3 से 4 हज़ार से लेकर 60 हज़ार से 70 हज़ार रुपये के ग्राफिक कार्ड अवेलेबल हैं। पर हाँ, और हालांकि हम अक्सर क्या करते हैं, नॉर्मली जितना हमारा बजट होता है या हमारे पास जितना पैसा होता है, हम उसके हिसाब से ग्राफिक कार्ड खरीद लेते हैं और बाद में ये देखते हैं कि ये उतना फास्ट नहीं है कि हमारी पूरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। और कुछ महीने बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें इस ग्राफिक कार्ड को बेचकर कुछ और एक हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड खरीद लेना चाहिए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है कि अभी तो हमने ये ग्राफिक कार्ड खरीदा था। दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे हम ग्राफिक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात हमें यह देखना चाहिए कि हम ग्राफिक कार्ड आखिर असल में क्या यूज़ करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड के। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप हल्की फुल्की मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं और HD वीडियोस, 4K वीडियोस देखना चाहते हैं और नौ और कुछ हैवी लेवल का काम करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो उसके लिए आप एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड खरीदेंगे 8 से 10 हज़ार रुपये का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट रहेगा। पर अगर आप एक हैवी गेमर हैं और आप एक वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, तो आपके लिए एक हाई एंड ग्राफिक कार्ड खरीदना कंपलसरी हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने वाला हूँ वो है रेजोल्यूशन। ग्राफिक कार्ड्स खरीद के मामले में रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, आपके पास अगर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास एक मॉनिटर है 20 इंच का जिसका रेजोल्यूशन है 1600x900p का। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके पास एक और मॉनिटर है जिस जो है 23 इंचेस का और उसका रेजोल्यूशन है 1920x1080p का। और आपके पास जो ग्राफिक कार्ड है उसके जो रेजोल्यूशन है वो 1600x900p पे मैक्स सेटिंग पे वो आपको फुल गेम रेजोल्यूशन और फुल परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आपको अच्छी डिटेल्स नज़र आएंगी, क्लैरिटी नज़र आएगी और आप गेम को स्मूथली प्ले कर पाएंगे। अगर आप उसी ग्राफिक कार्ड को अब 23 इंचेस के 1080p की रेजोल्यूशन की स्क्रीन पर चलाएंगे ना, तो आपको क्या लगेगा, क्या कहते हैं, डिटेल्स और क्लैरिटीज थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि उस ग्राफिक कार्ड की जो मैक्सिमम है वो 900p तक डिलीवर करने की है। आप उसके रेजोल्यूशन को बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि वो कैपेबल वहीं तक का है। क्योंकि दोस्तों अगर हायर रेजोल्यूशन होगा तो आपको ज़्यादा ग्राफिक ज़्यादा बड़े हाई एंड ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और छोटा होगा तो कम की पड़ेगी। और ऐसे ही अगर आपके पास 30 से 40 इंच का और बड़ा मॉनिटर है, तो उसके लिए आपको हाई एंड ग्राफिक कार्ड खरीदना पड़ेगा। जैसे कि मैं रिकमेंड करूँगा, एक 30 से 40 इंच के ग्राफिक कार्ड में अगर आप 1440p हाई रेजोल्यूशन गेम इंजॉय करना चाहते हैं या 1920x1080p, तो आपको GTX 980 Ti वो फुल परफॉर्मेंस देगा क्योंकि एक हाई एंड ग्राफिक कार्ड है, ये 4K कैपेबल भी है। और अगर आप एक आपके पास नॉर्मल स्क्रीन है, 20 से 24 इंच की स्क्रीन है, तो आप एक नॉर्मल 8 से 10 हज़ार रुपये का ग्राफिक कार्ड खरीदेंगे, GTX 750 Ti, आपको फुल रेजोल्यूशन देगा विद बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, आप फुल रेजोल्यूशन पर गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रैम। रैम भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफिक कार्ड के मामले में। क्या है, आप लोग भी ऐसा सोचते हैं? तो मैं आपको बताने वाला हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा रैम ले लेंगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगी, कम रैम ले लेंगे तो कम परफॉर्मेंस मिलेगी। हालांकि जो ये ग्राफिक कार्ड की रैम है, इसके जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे इसके भी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि जो आपके पास एक पाइप है, वो पाइप आपकी रैम है और जो उसके अंदर वाटर जा रहा है ना डिस्प्ले तक, वो पिक्सल्स हैं यानी फ्रेम्स हैं जो रेजोल्यूशन होता है गेम का। और जो ग्राफिक कार्ड है वो एक पंप है जो वाटर को पंप करेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए एक ग्राफिक कार्ड है और वो वाटर को उसमें से पंप कर रहा है, और आपके पास 2 GB का पाइप है, मतलब 2 GB की रैम है तो 2 GB की रैम है। अब ग्राफिक कार्ड की हॉर्स पावर ज़्यादा है और वो ज़्यादा पानी डिलीवर कर, मतलब ज़्यादा फ्रेम्स डिलीवर कर रहा है, और आपकी रैम तो कम है, तो क्या होगा? जब अगर पाइप होती है और उसमें ज़्यादा तेज़ी से पानी जा रहा होता है, क्या होता है, कभी कभार क्या कहते हैं, पाइप फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। तो हालांकि आपका ग्राफिक कार्ड ब्रस्ट नहीं होने वाला है, जस्ट कि आपका क्या होगा कि आपके पास रैम कम है पर परफॉर्मेंस ज़्यादा दे रहा है GPU, उसकी क्लॉक ज़्यादा है, तो आपकी जो गेम है ना वो लैग करने लग जाएगी क्योंकि आपके पास रैम ही नहीं है। क्योंकि जब इमेज खुलती है ना ग्राफिक कार्ड्स में, तो वो रैम जितनी ज़्यादा रैम होगी उतने ज़्यादा ग्राफिक खुल पाएंगे, और कम रैम होगी तो कम खुलेंगे। तो ऐसे ही आपको फ़ायदा नहीं है कम रैम का, और आपके पास ग्राफिक कार्ड बढ़िया है तो रैम कम है तो फ़ायदा नहीं है, देख लेना आपने, यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही आपको मैं सेकंड बताता हूँ कि आपके पास पाइप तो बहुत बड़ा है पर आपके पास जो ग्राफिक कार्ड है ना उसकी हॉर्स पावर कम है, उसके ग्राफिक प्रोसेसिंग कम है। अब वो पिक्सल्स तो उतने ही देगा ना चाहे पाइप कितना भी बड़ा हो। तो रैम ज़्यादा से ज़्यादा हो 6 से या 10
8 GB हो तो कोई फायदा नहीं है उसका, तब भी आपको कोई फायदा नहीं हो। आपको इंपॉर्टेंट ये देखना है कि जो ग्राफिक कार्ड है और रैम की वो रेशियो होनी चाहिए बढ़िया, तभी आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगा ग्राफिक कार्ड। तो दोस्तों एंड्रॉइड में आपको यही बताना चाहूँगा कि रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफिक कार्ड के मामले में। रेजोल्यूशन के हिसाब से ही ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहिए, अपनी डिस्प्ले देखनी चाहिए हमें, और हमें अपना बजट भी देखना चाहिए यहाँ तक कि हम इस बजट में क्या हमारी स्क्रीन की या रेजोल्यूशन को हम पूरा परफॉर्मेंस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि आपको ग्राफिक कार्ड कैसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आप, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप एक हाई एंड गेमर है या यूज़र है तो आपको एक हाई एंड कार्ड की तरफ जाना चाहिए, और अगर एक मिड यूज़र है, नॉर्मल है, तो आपको एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।